गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बैलेंस डाइट ऑफ चैप्टर 8, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज बैलेंस डाइट? राइट अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स, विटामिंस, रफेज एंड वाटर मेक अप अ बैलेंस डाइट। आप जो फूड खा रहे हो, आप जो खाना खा रहे हो, जो डाइट ले रहे हो, उसमें जितने भी ये जो फूड ग्रुप्स आपने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, उनकी एक राइट अमाउंट होनी चाहिए। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, इन सब की एक प्रॉपर अमाउंट होनी चाहिए। तो उस जो प्रॉपर अमाउंट वाला फूड होता है, उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। कि आपकी डाइट जो आप खाना खा रहे हो, उसमें प्रॉपर एक सही क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए। लेकिन ये अमाउंट, राइट अमाउंट किसे कहते हैं हम? ना तो ज़रूरत से ज़्यादा होनी चाहिए, ना ज़रूरत से कम होनी चाहिए। तो एक बैलेंस डाइट वही होती है जब इन सारे न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर बैलेंस में आपके फूड में होते हैं, उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। सो प्रीवियस वीडियो में आपने इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिंस। नाउ रफेज एंड वाटर। रफेज एंड वाटर क्या होता है? वाटर के बारे में आप सभी को पता है कि पानी की भी हमें कितनी ज़रूरत होती है, बट आपके फूड में, फूड प्रोसेस में वाटर की क्या हेल्प होती है, वाटर का क्या रोल होता है, ये हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। रफेज एंड वाटर, द पार्ट ऑफ फूड दैट वी कैन नॉट डाइजेस्ट इज कॉल्ड रफेज और फाइबर। जो खाने का जो पार्ट आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, उसे हम कहते हैं रफेज और फाइबर। इट अब्जॉर्ब वाटर एंड एड्स टू द बल्क सो दैट अ स्टमक फील्स फुल सूनर एंड हेल्प इन थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडीज। ये खाने से पानी को अब्जॉर्ब कर देता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसे आपकी बॉडी से बाहर निकाल देता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स कंटेन लॉट्स ऑफ फाइबर। तो आपकी बॉडी में कुछ फाइबर, मतलब फाइबर फूड भी आपको डॉक्टर्स हैं और जो हेल्थ डाइट प्लान बताने वाले होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपके फूड में कुछ मात्रा फाइबर की भी होनी ज़रूरत होती है। और ये फाइबर आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीरियल्स, इनसे मिलता है, जिससे आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाए। वाटर, वाटर की क्या हेल्प होती है? वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। हमारी डाइट का इम्पॉर्टेंट पार्ट वाटर होता है। इट हेल्प्स द बॉडी टू यूज़ अदर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल्सो हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड। ये जो वाटर क्या हेल्प करता है, ये जो अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको यूज़ में लेता है और हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर कीप्स द बॉडी वेल हाइड्रेट। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आपको कम से कम 6 to 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, लेकिन खाना खाते वक्त नहीं। आपको खाना खाते टाइम आप बहुत सारा पानी पी लोगे तो वो आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है, एंड जस्ट खाना खाते ही अगर आपने बहुत सारा पानी पी लिया तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। तो आपको एक सही टाइमिंग पे खाना खाने के 10 to 15 मिनट्स बाद में आप पानी पी रहे हो। इवन पूरे दिन में आपको 3-5 लीटर पानी पीना चाहिए, जिससे आप अपने खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओ। इट हेल्प अस टू थ्रो अवे पॉइजनियस वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी। जो पानी होता है वो आपकी बॉडी से वेस्ट को निकालने में हेल्प करता है। सो रफेज एंड वाटर भी अदर न्यूट्रिएंट्स के जैसे आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी प्रॉपर हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, जिसमें सही क्वांटिटी में, सही मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स का, पानी का होना ज़रूरी होता है, जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रह सके। सो आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ अवॉइड सच टाइप ऑफ फूड लाइक चिप्स, कुरकुरे, आइसक्रीम, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स। ये आपकी बैलेंस डाइट का पार्ट नहीं होते हैं। ग्रीन वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, चपाती हैं, दाल है, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये आपकी जो नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ये आपकी बैलेंस डाइट बनाते हैं। तो आपको हेल्दी रहना है तो आपको बैलेंस डाइट बनानी पड़ेगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।